हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक वाईटी क्रिएटर में। दोस्तों, आज के स्टूडियो आपको बताऊंगा किस तरह से दोस्तों अपने अपने कंप्यूटर में से किसी सर्विस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने यहाँ पे जो अपने को टाइप हाउ टू सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे अपन सर्विसेज टाइप करेंगे। और दोस्तों, जैसे आप सर्विसेज टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको सर्विसेज को ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से अपन इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको अपनी पीसी सारी सारी सर्विसें मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे जिस भी सर्विस को आपको डिलीट करना है अपने पीसी में से, तो दोस्तों सबसे पहले उस सर्विस को ओपन राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे दोस्तों। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्विस नेम जो होता है उसको याद कर लेना, कौन सा सर्विस नेम है। और दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पीसी में से आपको कोई सर्विस वैसे रिमूव नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है इससे आपके पीसी में कोई इस ब्लू स्क्रीन एरर आ जाए, या फिर आपकी जो विंडो होती है वो भी करप्ट हो सकती है। उसके भी यहाँ पे दोस्तों 100% चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे सर्विसेज होती है जिनको डिलीट करने से आपके पीसी में कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, जैसे बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस है, या फिर बैकग्राउंड टास्क इंस्ट्रक्शन है, तो दोस्तों अगर आप इनको डिलीट करोगे तो फिर आपके बैकग्राउंड की सारी प्रोसेस रुक जाएगी, और फिर आप उसको कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको अपने पीसी को रिसेट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको दोबारा से विंडो इंस्टॉल करनी पड़ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैं किसी दूसरे सर्विस को लेता हूँ, जैसे दोस्तों विंडोज अपडेट की सर्विस को अपन ले लेते हैं। दोस्तों, जैसे विंडोज अपडेट की सर्विस को अगर आपको अपने पीसी में से डिलीट करना है, तो सबसे पहले अपन इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और यहाँ से दोस्तों इसका सर्विस नेम है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसका सर्विस नेम है WUAUSERV। तो दोस्तों, आपको बस इतना यहाँ पे सर्विस नेम चेक कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको विंडोज प्लस आर की प्रेस करनी है, और दोस्तों यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अपने को रेज एडिट टाइप करना है। दोस्तों, रेज एडिट टाइप करने के बाद में अपने को यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, और यस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ पहले मैंने रजिस्ट्री ओपन किया था, इस वजह से यहाँ पे कुछ और चीज़ें शो हो रही है। तो यहाँ पे वैसे अपने को लोकेशन यही फाउंड करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने को क्या चीज़ लोकेट करनी है, तो सबसे पहले अपन एक एक करके बता लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ऑप्शन मिलता है, तो दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर अपने को क्लिक करना है, इस एरो के ऊपर नीचे। उसके बाद में दोस्तों, अपने को यहाँ पे हक्के लोकल मशीन में जाना होता है, तीसरे नंबर पर हक्के लोकल मशीन है। उसके बाद में दोस्तों, अपने को यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, सिस्टम के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर अपने को करंट कंट्रोल सेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर जाना है। दोस्तों, करंट कंट्रोल सेट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो सर्विसेज को आपको ओपन कर लेना है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या चीज़ अपन ने लोकेट करी है, कंप्यूटर हैकर लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट और सर्विसेज। दोस्तों, सर्विसेज के अंदर आपको वही नाम यहाँ पे फाइंड करना है जो अपने को सर्विस का नाम आपने यहाँ पे चेक किया था। तो दोस्तों, इस सर्विस का नाम है अपने यहाँ पे WUAUSERV। तो दोस्तों, यही नाम अपने को यहाँ पे फाउंड करना है। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप सर्विसेज टैब पे जाओगे, यहाँ पे सॉरी सर्विसेज के जो फोल्डर इस पे जाओगे, तो यहाँ पे किसी भी सर्विस को सेलेक्ट करके W प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो भी सर्विस का नाम है वो उसका आपका फर्स्ट लेटर आप प्रेस करोगे, तो वो वाली सर्विस आपको यहाँ पे फर्स्ट में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे वो सर्विस है WUAUSERV, अपन नीचे चलते हैं, तो ये रही WUAUSERV। तो दोस्तों, अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस फोल्डर को यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, डिलीट करने से पहले एक बार इसको आपको एक्सपोर्ट जरूर कर लेना है। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि दोस्तों इसी नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप इस दोबारा से आप इस सर्विस को क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे अपन वही नाम यहाँ पे डाल देते हैं, WUAUSERV। तो दोस्तों, याद रहे, ये नेम एकदम सेम होना चाहिए, WUAUSERV। तो दोस्तों, यही नाम सेम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में अपने को सेव करना है, तो सेव कहाँ पे करते हैं, तो इसको अपन यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ऐसे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। और अगर आप इसको नाम नाम सही से नहीं लिख पाओ, तो दोस्तों आपको यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो भी सेलेक्ट हो जाता है तो उसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। तो इस नाम को आपको कॉपी करके उसके जो भी फाइल आपने एक्सपोर्ट किया है उसको आप उसकी जगह पर आप उसको सेव कर सकते हो। जैसे दोस्तों, यहाँ पे अपन ने इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो अपन इसको यहाँ पे वापस से रीनेम कर सकते हैं इसका। तो रीनेम पे जाएंगे, और यहाँ पे अपन कंट्रोल भी करेंगे, तो यहाँ पे वो नाम अपन यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यस पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों वो फोल्डर गायब हो चुका है। अभी देखते हैं सर्विसेज में अपन को क्या डिफरेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पे अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। अब दोस्तों, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे फेल टू इस तरह से कुछ आ चुका है, फेल टू रीड डिस्क्रिप्शन एरर, कुछ एरर यहाँ पे शो हो रहा है। चेक करते क्या एरर है। द सिस्टम कैंट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, इस तरह से कुछ एरर यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, और फेल टू एरर एरर कोड टू यहाँ पे अपने को देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं अपने पीसी को अगर रिस्टार्ट करूँगा, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे सर्विस जो वो पूरी तरह से कम्प्लीटली मिसिंग हो चुकी है।
तो मैं अपने पीसी को रिस्टार्ट करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लिया, तो चलिए देख लेते हैं अपने जो विंडोज अपडेट की सर्विस है वो रिमूव हुई है नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो विंडोज टाइम के ऊपर जो यहाँ पे ऊपर या नीचे आसपास से विंडोज अपडेट की सर्विस अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही थी जो कि यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से अपने अपने पीसी में से किसी भी सर्विस को रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।